हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई आज 11 अगस्त 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 32। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो सबसे पहले आप इस जगह पर अपना नाम फिल कर लीजिए और उसके बाद जो भी आपके क्लास टीचर हैं उनका नाम आप इस जगह पर लिख लेंगे। लेकिन बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिना फॉरवर्ड किए पूरा देखिए, जिससे आपको वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद आप वीडियो को दोबारा प्ले करके एक एक करके क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सीधा चलते हैं वर्कशीट पर, देखते हैं कि आज हमें वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिय विद्यार्थी, आज के कार्य की शुरुआत हम करेंगे 2 मिनट की माइंडफुलनेस से। तो 2 मिनट शांत बैठकर माइंडफुलनेस करें, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको ये वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का माइंडफुलनेस करना है, ठीक है। आपको आंखें बंद करनी है, ठीक है, और जो आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। ये आपको 2 मिनट के लिए करना है। तो इसे करने के बाद देखते हैं इस सप्ताह की गतिविधि क्या है। तो इस सप्ताह की गतिविधि है एक दूजे को जाने, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक कागज पर घर के सभी सदस्यों के नाम लिखें, इस सप्ताह में उनके बारे में निम्न जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इस गतिविधि में आपको अपने इस परिवार के जो सदस्य हैं आपके घर में उनका नाम एक पेपर पे लिख लेना है। उसके बाद आपको इस सप्ताह में उनके बारे में ये सभी जानकारी, नीचे पूछी गई जानकारी को प्राप्त करना है, ठीक है। तो क्या क्या जानकारी आपको प्राप्त करनी है, उसके लिए यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस किए गए हैं। तो चलिए इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। तो जिसमें पहला आपका सवाल है कि आपके क्या क्या शौक हैं, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको अपने परिवार के सदस्यों से पूछना है कि आप उनके क्या क्या शौक हैं, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक आंसर दे दिया है, ठीक है। आप इसको देख के इसी प्रकार से अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर उनके जो शौक है आपको लिखने हैं। जैसे कि मान लीजिए दिलीप है, जो कौन है, पिताजी है, उनका शौक है बागवानी का, गार्डनिंग का, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है रजनी, जो की है माताजी, ठीक है, उनको गाने का शौक है, सिंगिंग का शौक है, तो उनका शौक यहाँ पे लिख दिया मैंने गायन। उसके बाद तीसरे नंबर पे है आयुषी, जो कि है बहन, और इनका शौक है चित्रकारी का, इनको ड्राइंग का शौक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया चित्रकारी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है आदित्य, जो कि भाई है, ठीक है, इनको स्विमिंग का शौक है, तैराकी का शौक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया तैराकी। इसी प्रकार से आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर उनके आगे लिख देंगे। अगर आपकी पिताजी हैं तो पिताजी लिख देंगे, माता है तो माताजी लिख देंगे, बहन है तो बहन लिख के उसके आगे उनके शौक उनसे पूछकर आप इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेकंड आपको उनसे क्या क्वेश्चन पूछना है। इसमें लिखा है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं या चाहते थे, ठीक है। तो आपको अपने परिवार के सदस्य से पूछना है, अगर आपके पिताजी हैं बड़े हैं तो उनसे पूछना है कि आप क्या बनना चाहते थे जब वो आपकी उम्र के थे, ठीक है, या अपनी सिस्टर से पूछना है, बहन से पूछना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। आपको फिर से सबसे ऊपर लिख देना पिताजी का नाम, उसके बाद जैसे वो बनना चाहते थे पायलट, तो यहाँ पे आप लिख देंगे पायलट। उसके बाद सेकंड इस प्रकार से रजनी माताजी, वो क्या बनना चाहती थी, गायिका बनना चाहती थी, तो यहाँ पे गायिका लिख दिया है। थर्ड नंबर पे है आयुषी, जो की है बहन, वो आर्किटेक्ट, हिंदी में जिसको क्या कहते हैं, वास्तुकार बनना चाहती हैं बड़े होके, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने वास्तुकार। और चौथे नंबर पे आदित्य भाई, जो कि बड़े होके डॉक्टर बनना चाहते हैं, चिकित्सक बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है चिकित्सक। ऐसे ही आप अपने परिवार के सदस्य जो वो बनना चाहते हैं या चाहते थे उनका नाम आप वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है थर्ड नंबर पे आपको क्या पूछना है उनसे कि आप किस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित रहे और क्यों। यहाँ पर उनसे पूछना है कि आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में किन लोगों से प्रभावित रहे और आप उनसे प्रभावित क्यों रहे, ठीक है। तो देखते हैं इसका फिर से एक एग्जांपल, आंसर में आप क्या लिख सकते हैं। जैसे कि पिताजी का देख लेते हैं, तो पिताजी किसानों से काफी ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि वह बहुत मेहनती और कर्मठ होता है, ठीक है। किसान जो है बहुत मेहनती होता है, बहुत कर्मठ होता है, इसलिए पिताजी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उसके बाद सेकंड देखते हैं कि माताजी, तो माताजी मदर टेरेसा
प्रोफेसर से बहुत प्रभावित हुई क्योंकि वह बहुत दयालु और साहसी महिला थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर पे आयुषी बहन, वो मैरी कॉम से प्रभावित हुई क्योंकि वह एक बेहतरीन बॉक्सर है। ठीक है, तो बहन किससे प्रभावित हुई? मैरी कॉम से। मैरी कॉम को आप जानते हैं, मैरी कॉम हमारे देश की बहुत बढ़िया बॉक्सर है। ठीक है, तो आयुषी बहन जो है उनसे प्रभावित हुई। उसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर पे आदित्य भाई। आदित्य किन से प्रभावित हुआ? वो प्रभावित हुआ रतन टाटा से क्योंकि वह एक बुद्धिमान और सफल व्यापारी है। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया है, आपको ये चीज अपने भाई बहन माता पिता से पूछनी है और उसके बाद यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या पूछना है आपको अपने परिवार के सदस्यों से, कि आप अपने परिजनों से अपनी एक अच्छी बात जाने। ठीक है, तो आपको अपने परिवार के सदस्यों से पूछना है कि उनके अंदर क्या अच्छी बात है जिसके लिए लोग उनकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर कि पिताजी के अंदर क्या अच्छी चीज है कि वो समय के बहुत ज्यादा पाबंद है। ठीक है, उनको जो काम जिस समय पर करना होता है वो करते हैं, मतलब कि वो कोई भी काम डिले नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है समय के पाबंद। उसके बाद सेकंड है रजनी जो कि है माताजी, उनके अंदर अच्छी बात है निष्ठा, मतलब कि वो जो भी काम करती है वो बहुत निष्ठा के साथ करती है, इसलिए जिसकी वजह से सभी उनकी तारीफ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है थर्ड आयुषी बहन। ठीक है, इनके अंदर अच्छी बात है इनके अंदर बहुत ज्यादा लगन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया लगन। उसके बाद है चौथे नंबर पर आदित्य भाई, और इनके अंदर अच्छी बात है इनके अंदर बहुत ज्यादा दृढ़ता है, इसलिए यहाँ पे अच्छी बातों में हमने लिख दिया है दृढ़ता। इसी प्रकार से आप अपने परिजनों से पूछे कि उनके अंदर क्या अच्छी बात है और उस चीज को आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद पांचवा सवाल आपसे परिजनों से ये पूछना है कि एक ऐसी बात जाने जहाँ आपको सुधार करना चाहते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से अच्छी बातें जो जान ली लेकिन उनके अंदर कुछ कमियां भी होंगी। ठीक है, उनके अंदर कमियां पूछे जिनको वो सुधारना चाहते हैं। ठीक है, जिसमें देखते हैं इसका आंसर, जिसमें फर्स्ट है दिलीप पिताजी। ठीक है, तो पिताजी अधिक संवेदनशील भाव को सुधारना चाहते हैं, मतलब कि जो पिताजी हैं वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है जिसको वो सुधारना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड है रजनी माताजी, तो यहाँ पे लिखा है वह किसी से मदद लेने में हिचकिचाती हैं जिसे वह सुधारना चाहती हैं। ठीक है, तो माताजी जो हैं वो किसी से जब मदद मांगने में थोड़ा सा हिचकिचाती हैं जिसको वो अपने अंदर ये चीज सुधारना चाहती हैं। उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर पे आयुषी बहन के सुधारना चाहती हैं, वो उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है जिसे वह सुधारना चाहती है, मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो आत्मविश्वास उनका उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, जिसे वो सुधारना चाहती हैं। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे आदित्य भाई। ठीक है, उनके अंदर धैर्य की कमी है जिसे वह सुधारना चाहते हैं। ठीक है, ये कुछ कमियां हैं जिनको परिवार के सदस्य सुधारना चाहते हैं। इसी प्रकार से आप भी अपने परिवार में उनकी कमियां पूछ के कि वो अपने अंदर क्या सुधार लाना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यही थी आपकी आज की वर्कशीट। इस वर्कशीट को आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें, साथ ही हमें ये कमेंट करके बताएं कि आपको ये वर्कशीट और इसमें दी गई एक्टिविटी और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और साथ अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता हूं आपको कल बुधवार को एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।